अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब बोलो। थैंक्स यार, तुम्हारे वजह से मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या आइडिया था तुम्हारा? एंगेजमेंट में जो मांगना है मांगो और नाम भाई का दे दो। वाह, पर यार उसके भाई का नाम क्यों? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तुमने स्पेशली ऋषभ का नाम ही लेने के लिए क्यों कहा? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो एंजॉय करो। Have a great life ahead. I mean a happy married life. Thanks यार। अब तुम जाओ यहाँ से। किसी को भी पता ना चले कि ये बात मैंने तुमसे कही है कहने के लिए। जल्दी जाओ वरना कोई हमें देख लेगा। Cool. पहला शिकार, फर्स्ट टारगेट, ऋषभ महिवंशी, इस घर का सबसे प्यारा बेटा, सत्यवादी, इस घर में है तो सबसे छोटा पर युधिष्ठिर जैसा। चलो, सगाई तो थई गई। सगाई के बाद हमारे यहाँ रस्म होती है गरबा खेलने की। आप सब लोगों को निमंत्रण देती हो, आप सब लोग जरूर आइएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चलो चाहते क्या हो तुम ऋषभ महिवंशी? तुमने उनको पैसा देने का वादा यही सोच के किया था ना कि उससे हमारे पैसे कम हो जाएंगे? ठीक है, देंगे हम उनको पैसे, क्योंकि पैसों से ज्यादा हमें हमारी बहन प्यारी है। बहुत ही घटिया काम किया तुमने ऋषभ। शशांक, अब हमें यहां से चलना चाहिए। चलो। नहीं बहू, इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आज मेरी बेटी की सगाई टूट सकती थी और ये बात मैं हर किसने भूल सकता और ना ही आप लोगों को भूलने दूंगा। बोलने, क्यों किया तूने ऐसा? तुझे ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? दादू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। समझते क्या हो तुम अपने आप को? धर्मराज मायावंशी, सोलह साल पहले आपने मुझे इसी घर में बेइज्जत किया था। मैंने कुछ नहीं कहा, इसके बावजूद मैंने अपनी बीवी को यहां आने से कभी नहीं रोका। नंदिनी की सगाई भी यहीं करवाई मैंने। परसों पहले आपने मुझ पर एक आरोप लगाया था, एक जुर्म का, जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैं खून के घूंट पी के रह गया। उफ तक नहीं की मैंने, खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इतना पैसा कमाया कि आज मैं आपकी बराबरी कर सकूं। और आपके बेटे और पोते ने क्या किया? चलकर राख हो गए। नंदिनी मेरी बेटी है, जितना अधिकार मुझे नंदिनी पर है, सोचा उतना ही अधिकार आपको अपनी नातिन पे होगी। वाह, क्या अधिकार निभाया आप लोगों ने, वाह। धर्मराज, आपने प्यार में अधिकार दिखाया और अधिकार में व्यापार किया। आपको देखकर तो मेरा सिर फक्र से उठता था, पर आज चुप गया शर्म से। बस शशांक, एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। हितेन, बस अबे आगड़ एक शब्द भी नहीं। तो पापा, जमाईराज की बात बरोबर है। उन्हें आज तेरे दिकरे के कारण जमाईराज के सामने मेरा सर झुक गया। उन्हें खबर छे कि आज मेरे सामने मेरा जमाईराज नहीं, एक बाप खड़ा है। हितेन के दिकरे ने जो किया वो। दादू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तू चुप रहे, बधारे बोल तो नहीं समझो। देखो जमाईराज, मुझे खबर छे कि पिता होने के नाते तुम्हारी यही इच्छा होगी कि दिकरी का लगन अच्छे घर में हो जावे, पर लगन करा देने से एक बाप की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती।
लगन के बाद नवे सिरे से दिकरी का नवा जीवन चालू होता है। अने मेरी बात मानो ना, तो मेरी नातिन को वो घर में मत भेजना। मेरी बात समझने का प्रयास करो जमयराज। वो छोकरा ने उसका परिवार रुपये के पीछे पड़े हैं बस। मुझे पता नहीं कि आप नंदिनी की शादी से खुश हो या नहीं, लेकिन याद रखना 16 साल पहले आपने डंकी की चोट पे मुझे बेइज्जत किया था ना। मैं आप ही का दामाद हूं और आज ये दामाद ऐलान करता है कि हम दोनों के बीच अब एक महायुद्ध होगा। मैं हर रिश्ता तोड़ता हूं आज। मैं नंदिनी की खुशी के लिए आप उसकी शादी में जरूर आ सकते हो, लेकिन उसके बाद हर रिश्ता खत्म। कद्दू, तुम ही सोचो कि अगर वो लड़का अभी पैसे मांग रहा है तो शादी के बाद वो। अब इस मामले में मैं तुम्हारी कोई राय नहीं चाहती संतु। हाँ, पहले मैं चाहती थी कि तुम मेरी मदद करो। इस घर में खुशी खुशी ये सगाई करना चाहती थी, पर क्या किया ऋषभ ने? तुम उस लड़के को लालची कहती हो? उसके मन में लालच भरा किसने? ऋषभ ने। एक सगाई को एक सौदा बनाया किसने? ऋषभ ने। अब क्या कहना और क्या सुनना संतू? बात को यही खत्म करते हैं बस। कत्तू, पर वो शर्तें तो पूरी कीजिए जो नन्नी के भाई ने हमसे पूरी करने का वादा किया। कल ये होटल में मुझसे मिलने आए। मैं नन्नी से शादी कर लूँ, इसके बदले में से कुछ पैसे और सभी मैं इनाम करके सगाई से पहले डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में देने का वादा किया। ऋषभ, मुंबई की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने फाइल तैयार कर ली, तुम्हें इस पर एक बार नजर मार लेना। आप लोग तो मैं देख लूंगा। सब चाहे जो भी समझे, पर मैं जानता हूं कि तुमने ये सब नहीं किया। वही तो भैया, जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो उसने मेरा नाम क्यों लिया? मेरा नाम लेने से उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। कोई तो है जो चाहता था कि विकास मेरा नाम ले ताकि मैयावंशी परिवार का नाम बदनाम हो जाए, और विकास ने वही किया। लेकिन कौन? कौन है जो विकास की आड़ में छिपकर वार कर रहा है? ए डफोड़, छिले हुए बादाम को क्यों छिल रही है? कितने खुश थे सब नंदिनी के लिए। सबको लग रहा था कि नंदिनी के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी विकास ने हाँ कर दी, पर असली कारण तो ये था कि विकास ने पैसों के लालच में आके जो भी हुआ बहुत ही बहुत गलत हुआ। केवल नंदिनी के साथ ही नहीं, ऋषभ के साथ भी बहुत गलत हुआ। किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं, सब ने उसे दोषी माना। हाँ, दोषी ठहरा है, क्योंकि वो दोषी है। इसलिए नंदिनी के साथ उसके जीवन में जो अनर्थ हुआ है ना, वो ऋषभ के कारण ही हुआ है। उसको बात करनी थी उस छोकरे से तो भले बात करता, पर रुपये की बात करने की क्या आवश्यकता थी? तकलीफ की बात तो यह है कि जमयराज अपनी नाक में प्रतिष्ठा रखने के लिए उसी छोकरे के साथ नंदिनी का लगन करवाएगा। विकास ने कहा और आपने बात मान ली पापा कि हमारे ऋषभ ने उसे पैसे ऑफर किए होंगे। वो छोकरा सबके सामने बोला ने तो झूठ तो नहीं बोला होगा ने? पर सबके सामने ऋषभ ने भी तो कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। बोलिए, आपका मन क्या कहता है? क्या ऋषभ ऐसा कर सकता है? और किया तो क्या आपसे झूठ बोल सकता है?